फेसिंग की जाती है। सो हाथ का एक एंगल बहुत जरूरी है क्योंकि बालों की ग्रोथ का एक एंगल होता है, एंड देन उसी एंगल को रिस्पेक्ट करते हुए ऑल अलोंग द हेयर लाइन जो मार्क किए उसको बहुत इरेग्युलर पैटर्न बनाते हुए इस तरह से स्पेसेस बनाए जाते हैं। इस टेक्निक को ब्रिक टेक्निक या स्टेप लैडर टेक्निक भी बोलते हैं बिकॉज ये अल्टरनेट स्पेसेस के बीच में एक स्पेस बनाई जाती है, तो एक वन एंड अ हाफ लेयर होती है ऐसे ऐसे जिग जैगिंग करते हुए। सो इससे एक बहुत नेचुरल लुक आती है और कभी भी लगता नहीं है कि कोई ट्रांसप्लांट प्रोसेस हुआ है, बालों की ग्रोथ बहुत नेचुरल दिखती है। और ये जो डायरेक्शन मैं बना रहा हूँ, ये डायरेक्शन बेसिकली डिटर्मिन करती है कि आप बाल आगे कैसे आएंगे। हर टनल जो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर एक एक ग्राफ्ट लगाया जाएगा और एक एक ग्राफ्ट में 2 से 5 बाल होते हैं, उनकी ग्रोथ जैसे जैसे होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी जो अभी मैं स्पेस बना रहा हूँ, और इसी डेंसिटी पैटर्न पे होगी जो मैं अभी स्पेस बना रहा हूँ। जितने स्पेस बना रहा हूँ उतने ही बाल ग्रो करेंगे। सो ये एक तरह से पूरा का पूरा रिजल्ट अब डिटर्मिन हो रहा है। ये नेक्स्ट 35 मिनट्स में मैं ऐसे पूरे ऑल अलॉन्ग आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए स्पेसेस हैं, बहुत हाई डेंसिटी इधर मैंने क्रिएट की है और इनके बीच बीच में जाके जो माइनर से गैप्स हैं उनको अब मैं कंप्लीट कर दूंगा। सो ये आगे की एक हेयरलाइन का पैटर्न बनना अब शुरू हो गया है। सेम अब